यशायाह अध्याय 16। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 16। देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को जंगल की ओर से सेला नगर से सियोन की बेटी के पर्वत पर भेजो, और उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान मोआब की बेटियां अर्नोन की घाट पर होंगी। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे, नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, क्योंकि पीसने वाला नहीं रहा, लूटपाट फिर न होगी। देश में से अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं, और दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है, उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि मोआब मोआब के लिए हाय हाय करेगा, सबके सब हाहाकार करेंगे। किरह राहसत की दाग की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिबमा की दाख लताएं मुरझा गए। अन्य जातियों के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है, वे याजर तक पहुंची है, वे जंगल में भी फैली गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपनी आंसुओं से सिंचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज काटने के समय की ललकार सुनाई पड़ती है, और फलदाई बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही, और दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, दाखरस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके शब्द के हर्ष को बंद करूंगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय किरहरेसे के कारण विना का सा शब्द देता है, और ऐसा होगा कि जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही तो वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी, परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है कि मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का विभव और उसकी भीड़भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े ही बचेंगे जिनका कोई बल न होगा।